बिहार में अब तक आपने बहुत ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें कहीं खेत में पुल बना दिया गया तो कहीं पुल बनाने के बाद अप्रोच और सड़क नहीं बनवाई गई, इसको लेकर खूब चर्चाएं हैं। इन सबके बीच अब एक अलग ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, जिसमें नदी के दोनों किनारे तक सड़क तो बना दी गई लेकिन नदी पर पुल नहीं बनाया गया, जिसके चलते हजारों लोगों को आवाजाही में कठिनाई हो रही है। ग्रामीणों का कहना है कि 3 साल पहले नदी के दोनों किनारों तक करोड़ों की लागत से सड़क बना दी गई लेकिन नदी पर पुल नहीं बनाए जाने से सड़क पर आवाजाही प्रभावित है। इस बात को लेकर काफी नाराजगी भी है, चर्चा इस बात को लेकर भी है कि नदी पर पुल नहीं बनने के कारण ये सड़क सिर्फ दिखावे की बन रही है। ये तस्वीर है त्रिवेणीगंज प्रखंड के पहलवना गाँव की। गाँव के लोगों का कहना है कि धसनधार पर पुल नहीं बनने से ग्रामीणों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में धसनधार पानी से लबालब रहती है जिसके चलते करीब 3 महीने आसपास के इलाके के लोगों की खेतीबाड़ी, पशु चारा, बच्चों का स्कूल जाना, आम लोगों का बाजार जाना प्रभावित हो जाता है। दिलदार खान की रिपोर्ट, बिहार, सुपौल से। पुल नहीं छे के कारण छे। पुल तो 15 साल से मांग कर रहे पुल के, तो विधायक ने कोई सांसद ने कोई ग्राम मिल के मन कर चला की करते, जितने क्षमता रहते उतने ने विधायक का कहे थे तो कहे प्रधानमंत्री योजना से बनेगा, फिर बिहार मुख्यमंत्री योजना से बनेगा। अभी तक 15 साल से पुल का मांग हो रहा है, यहाँ पुल ही नहीं पड़ रहा है, दोनों साइड पिचिंग हो चुका है, फिर भी बीच में लोग बाग जो है ना, महिला को इतना बेइज्जती होने पड़ता है। यहाँ जो साड़ी ऊपर करने का भी समस्या रहा, पुरुष रहता है तो उसमें भी बहुत दिक्कत होते हैं महिला को। यहाँ अब ग्रामीण महिला है जो गरीब आदमी है, 20 रुपये किराया दे के वहाँ से जाएगा, अब 20 रुपये इधर से 20 रुपये उधर से पैदल चला जाता है, 40 रुपये बचता है महिला को, गरीब आदमी को, 40 रुपये में एक दिन का खाना पीना का राशन पानी का सब्जी उब्जी हो जाता है। लेकिन क्या करते हैं, यहाँ तो अमीर लोगों को गाड़ी है उधर से चला जाता है, गरीब लोग पैदल जाता है इधर से। गरीब महिला का इज्जत क्या मानते हैं बिहार में, कुछ नहीं इज्जत बचते है बिहार में। अब 10 आदमी का हम लोग चाहते हैं बड़ा पुल्ला नहीं हो, छोटे से पुल्ला निर्माण किया जाए जो आदमी निकल सकते पार हो सके। क्या नाम है आपका? पवन सा। आपकी परेशानी से? आप लोग को बहुत परेशानी है, पानी पड़ जाता है, उसमें से जाने आने में दिक्कत है, 7 किलो 8 किलोमीटर जाने पड़ता है घोर के, उस पार खेत है इस पार है, बहुत डर भी आपका पड़ता है, उसमें दिक्कत है बहुत, लोगों का रोड बन गया है, मतलब कितना आकर देखा है कभी कोई चर्चा नहीं किया है। तो क्या मांग करते हैं आप? हम लोग खुला मांग करते हैं कि खुला होना चाहिए उसको। तो कितना दूरी तय करना पड़ता है पुला नहीं रहने के चलते? आधा किलोमीटर होता है। तो इधर से पिपरा जाने में कितना एक्स्ट्रा करना पड़ता है दूरी? 7 किलोमीटर जाने पड़ता है घूर के। इसकी जानकारी दिए हैं सांसद विधायक को? हाँ, सबको दिया है। कोई पहल नहीं किया? कोई पहल नहीं किया। क्या नाम है आपका? प्रभु मंडल। क्या परेशानी होता है पुला नहीं है तो? सर, परेशानी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा है, जैसा कि देखा जाता है कि मतलब हम लोग को मतलब स्टूडेंट लाइफ से गुजर रहे हैं और हम लोग को पढ़ाई करने में बहुत ही ज़्यादा समस्या होती है, और हमारे यहाँ जो भाई बहन सब है उसको लगभग 3 से 4 महीने तक पढ़ाई बिल्कुल रोक दी जाती है। हालाँकि इसलिए रोकी जाती है क्योंकि यहाँ पर पुल नहीं बना हुआ है, पुल नहीं बनने के कारण हम लोग की पढ़ाई भी बहुत ही बाधित होती है, 3 से 4 महीना तक बंद रहता है। सरकार से बस हमारी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द यहाँ पर एक पुल का निर्माण किया जा सके। इसकी जानकारी दी है सांसद विधायक? सर, इसकी जानकारी हमारे जो मतलब चाचा पापा सब है वो सब जा कर के दिए हैं, और एक बार ही नहीं बल्कि अनेक बार इसका जानकारी जाके दिए हैं, लेकिन हालांकि अभी तक कुछ भी प्रोसेस यहां पर नहीं देखा गया है। ठीक है, तो सरकार से बस दोनों तरफ जो है पिचिंग बना? हाँ सर, दोनों तरफ पिचिंग बना हुआ है। कोई पहल नहीं की? नहीं सर, कोई पहल नहीं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। परेशानी सर यही है, दोनों साइड जो पिचिंग बन चुका है सर, बीच में जो है ना नदी में जो है पुला नहीं बना है, तो हमारे 4-5 टोला जो है बस्ती को बड़ा समस्या होता है आने जाने में सर, विद्यार्थी सब जो है बेटा बेटी सब को जो है ना 3-4 महीना जो है पढ़ाई रोकना पड़ता है मजबूरी, मेन रोड से नहीं जाने पड़ता, जाने लायक है उस होकर के गाड़ी घोड़ा का मात्रा ज़्यादा चलता है, इसलिए है ना उस होकर जाने में कठिनाई है, मोड़ का अधिक सामना करना पड़ता है, इसलिए हम लोग को बहुत समस्या है यहाँ पर जो है ना, अविलंब पुला हम मांग करते हैं सांसद महोदय जी से, यहाँ पे अभिलंब पुला का निर्माण किया जाए, और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास तक जाना चाहिए यह चीज़, जो यहाँ पे बहुत समस्या हम लोग के ग्रामीण को है। कितने गांव बाधित है अभी इस पुल के वजह से? 6-7 बस्ती गांव जो है ना बाधित है यहाँ पे इस पानी की वजह से।